ये रहे, कितने जबरदस्त बने, देख रहे हैं आप? ओहो, और इसकी आवाज भी सुन सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के पकोड़े। तो उसके लिए मैंने चने की दाल ले ली है, इसको 24 आवर सोक किया था मैंने पावर वाटर में, और अब हम इसको इसका पेस्ट बनाएंगे। तो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं ये पकोड़े, और रमज़ानों में बहुत ही खाए जाते हैं, और ख़ासतौर पर हमारे घर में तो बहुत ही खाए जाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगा। पानी भी ऐड करूंगा। अब मैं इसमें ये चने की दाल निकाल लूंगा। ये देखेंगे, इसी तरह मैं दूसरा बैच भी कर लूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए जी गाइस, हमारा दूसरा बैच भी तकरीबन रेडी हो गया, ये भी निकाल लूँगा मैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इस स्टाइल से बनाएं आप पकोड़े, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आपने बेसन के पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, चने की दाल के खाकर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें सारी थिंग्स डालूंगा। अब इसकी सब्जियां कट कर लेते हैं जो पकौड़ों में डलेंगी। तो ये मैंने हरी प्याज ले लिए, दो हरी प्याज ले लिए, और ये इसको मैं कट कर लूँगा, वन बाय वन मैं कट करूँगा इसको। तो इसको पहले ये यहाँ से ये निकाल देना है, और तो यूँ करके बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है हरी प्याज का। इस तरह इसको कट कर लेंगे। ये हमारी हरी प्याज कट गई है, अब एक और इसी तरह मैं कट कर लूंगा। अभी हरी धनिया काट लेता हूँ मैं, हरा धनिया कोरिएंडर, इसको यहाँ से ये डंडियाँ निकाल दिए। अब उसके बाद इसको यूँ करें, जिस तरह इसको कट कर देंगे। अब इसको भी मैं बाउल में डाल दूंगा। अब इसके बाद आ जाते हैं प्याज पे, लेते हैं ऑनियन। ये ऑनियन को बीच से धो किया लाइक दिस। अब इसको यूं करके इस तरह नीम के स्लाइस भी कर लेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं हरी मिर्च पे। तो हरी मिर्च मैंने ये ले लिए, ये दो करेंगे और फिर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको
वैसे आम पैन में लोग प्याजू भी बोलते हैं, क्योंकि प्याज ज़्यादा होती है इसलिए प्याजू भी बोलते हैं। चने की दाल के पकौड़े आप उसको प्याजू भी बोल सकते हैं। यहाँ गए ये हाँ जी गाइस, ये हमने मसाला ले लिया जो उसमें जाएगा। उसमें हम मैंने लिया है भुना कुटा जीरा, धनिया, चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्च, ये सब हाफ ऑफ टी स्पून है तो इस हिसाब से, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो अब हम जो है पकौड़े का बैटर बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे, और इसमें हम ये सारे जो हमने स्लाइस किए थे जितने भी सब्जियाँ वो सब इसमें डाल देंगे। ये याद रखिए गाइस, 2 कप चने थे, जो चने की दाल थी वो 2 कप थे। अब इसको यूँ करके मिला लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसको मिलाना थोड़ा सा यूँ रफ करना है ताकि जो हमारी प्याज है वो खुल जाए इस तरह। ये देखिए प्याज ज़बरदस्त कलर आया गाइस, ये मसाले डालूंगा तो और ज़बरदस्त आएगा। इस तरह इसको मिला लेना ताकि ये जो देखें, ये देखें ये जो प्याज है ये हमारी खुल जाएगी। ये देखें तो ये, अब मैं इसमें मसाले डालूंगा और जो है सॉल्ट डालूंगा। मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालो। इसको मिला लूंगा मैं। ये देखने गाइस क्या ज़बरदस्त कलर आए, और सही मिला लेंगे। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खा रहे हैं तो आप मसाले बढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट है मेरा रेडी। अब मैं इसको फ्राई करके दिखाता हूँ। हाँ जी गाइस, तो ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है, मीडियम गरम हुआ है। अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगा। जब पकौड़ों के बैटर को ये देखें इस तरह हाथ में लेना है और इसको हल्का सा यहाँ से देखिए दबा लेना है ताकि पकौड़े अंदर से पक जाएं। और आँच हमें मीडियम रखनी है और इसको फिर इस तरह डालना है। ये देखें इस तरह बैटर लेंगे। ये देखिए बैटर ले लिया, इसको हल्का सा यहाँ से दबाएंगे और फिर इसको यूं करके डालना और जो फ्लेम है मीडियम रखना है। बहुत ही स्वस्थ और करारे बनते हैं गाइस, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरह। आज हम बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। ये देखिए गाइस क्या ज़बरदस्त कलर आया गाइस, अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और पकने देंगे। और इसके साथ आप ग्रीन चटनी बनाने, रायता बनाने, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है खाने में, और रमज़ानों में तो क्या मज़ा है इसका। हाँ जी गाइस, अब मैं इसको पलट लूँगा। ये देखें ओहो, एक तरफ से तकरीबन डन हो गए, इसको मैं पलट लूँगा। ये देखें ज़बरदस्त कलर आया। ये देखें इस तरह इसको पलट लेना, अभी तकरीबन होने वाले थोड़ी देर में मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर दूसरा साइज डालूंगा, और जब पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आपकी आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगा। देखिए गाइस कलर आना शुरू हो गया है इसको, ये हल्की आंच पे पकेंगे चने की दाल के, और तकरीबन आपको 15 मिनट पकाना है बोथ साइड, यानी कि 1 साइड 5 to 7 मिनट्स है 1 साइड, और बॉल हल्की आंच पे पकेंगे ताकि अंदर से भी ये सही तरह से पक जाए। तो ये देखें कलर आना शुरू हो गया, थोड़ी देर में मैं निकालूंगा। ये देखें कलर आना शुरू हो गया है और ये डन हो तकरीबन हो गए। अब मैं इसको थोड़ी देर में निकालूंगा।
इसको निकाल कर देते हैं। हाँ जी गाइस, ये मैंने स्टेनर ले लिया है ताकि ऑयल सारा नीचे चला जाए, और इसमें मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ओहो, बहुत ही प्यारी रमज़ानों वाली खुशबू आ रही है गाइस। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ मगर रमज़ानों वाली खुशबू आना शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है रोज़ा खुलने वाला है। ये देखेंगे बहुत ही खस्ता बहुत ही करारे चने की दाल के पकौड़े, ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने निकाल लिया, अब मैं दूसरा बैग में डालूंगा। ये देखें ये स्टेनर है इसके नीचे, ये देखें ये ऑयल नीचे निकल जाएगा और ये ऊपर स्टेनर है। ये है किस तरह खस्ता करा है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने खस्ता बनेंगे। ये देखें, ये देख रहे हैं आवाज़ सुन रहे हैं आप, देखने कितने खस्ता बने और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त। एंड में मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। गाइस ये हमारे पकोड़े रेडी हैं और उसके साथ सॉस भी रेडी है, तो अब मैं इसको दिखाऊंगा। ये देखें, ये देखें क्या ज़बरदस्त खस्ता बने, बहुत ही ज़बरदस्त। देखें आवाज़ फील करें इस आवाज़ को, बहुत ही ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह रमज़ानों में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त पकौड़ों की रेसिपी लेके आता रहूँगा और बाकी यार रेसिपी भी लेके आता रहूँगा कि आपको सेहरी में क्या बनाना है, अफ्तारी में क्या बनाना है, सारी रेसिपीज मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।